हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू नमिगा किचन। रोज़ रोज़ के रोटी सब्जी से अगर आप बोर हो गए हैं तो इस नाश्ते को आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। ये हाई प्रोटीन हाई फाइबर ब्रेकफास्ट भी बोल सकते हैं इसको, और बच्चों को भी दे सकते हैं। तो इसके लिए मूंग दाल ले लीजिएगा। मैंने धूली मूंग और छिलके वाली मूंग दोनों लिया है। ये एक प्री मिक्स है जो ओट्स मखाना और सूजी से मैंने तैयार करके रखती हूँ मैं हमेशा। और थोड़ा सा मैंने इसमें एक कटोरी दही भी डाला है, थोड़ा अदरक डाल दिया, और मिर्ची भी डाल सकते हैं, धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं। तो सबको अच्छे से मैंने पीस लिया था और एक कटोरी पानी डाल के अब इसमें हम एक एक करके सारी सब्जियां ऐड करेंगे। आपको जो जो सब्जी पसंद है वो सब इसमें आप डाल सकते हैं। तो मैंने डाल दिया गाजर, प्याज, टमाटर, ज़रा सा नमक, थोड़ा ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, और ये थोड़ा सा मेरे पास अनियन पाउडर और गार्लिक पाउडर था, तो ये भी मैंने डाल दिया। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसमें उबले हुए आलू, बॉयल कॉर्न और थोड़ा चीज़ को भी ग्रेट करके डाल सकते हैं, इससे टेस्ट और बढ़ जाएगा। तो अब इसमें एक तड़का लगा देते हैं। तड़के के लिए मैंने रिफाइंड ऑयल ले लिया था थोड़ा सा, और उसमें मैंने जब ही तेल गर्म हुआ तो सरसों डाल दिया और कड़ी पत्ता डालकर इसको मैंने इसके ऊपर डाल दिया। और डालने के बाद मैंने इसमें एक चम्मच डाल दिया था इनो। तो इनो तभी डालेंगे जब हम इसको बनाना शुरू करेंगे। तो मैंने अप्पे भी बनाया था और साथ ही साथ सेम बैटर से मैंने चीला भी बना लिया था। तो ये देखिए मेरा हेल्दी ब्रेकफास्ट बनकर बिल्कुल रेडी था। तो आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा।